यथरिब एक जगह है जिसका मदीना है, बेसिकली मदीना के अंदर, मदीना का पुराना नाम क्या था, यथरिब। यथरिब के अंदर दो मेन ट्राइब्स थी, एक थी ऑस और एक थी खजरज। बेसिकली देवर थी एनिमीज ऑफ, क्या थे, देवर एनिमीज। अब होता यह है कि जब पिलग्रिमेज का टाइम आता है, तो पिलग्रिमेज के टाइम में क्या होता है, यथरिब से कुछ लोग आते हैं क्या करने, हज करने। सर उस जमाने में हज होता था बेटा, हज होता था लेकिन आइडल्स के साथ होता। तो अब क्या हो रहा है कि आपके पास, आपने ही बताना है कि हमारे पास यथरिप से कुछ लोग आते हैं पिलग्रिमेज के लिए, पर जैसे ही उनको पता चलता है प्रॉफिट के बारे में, तो वो प्रॉफिट के पास जाते हैं। प्रॉफिट से एक जगह मिलते हैं जिसका नाम होता है अकाबा। छह लोग आते हैं और इस्लाम क्या कर लेते हैं, कबूल। जब वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं, तो इस्लाम कबूल करने किससे क्या होता है, इस्लाम कबूल करने से ये होता है कि वो लोग, इस्लाम कबूल करने से ये होता है कि वो लोग ये कहते हैं कि हम लोग नेक्स्ट ईयर के आएंगे, वापसी हज करने आएंगे, और हम आपके ऊपर क्या ला रहे हैं, बिलीफ ला रहे हैं, और हम मेन टाइम क्या करेंगे, प्रीच करेंगे। सर कहाँ पर प्रीच करेंगे, यथरिब के अंदर। तो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ के अंदर क्या बताना है कि यथरिब बेसिकली मदीना है, मदीना के तो दो ट्राइब्स थी, औस और खजरज, वहां के लोग आपस में लड़ते थे। यथरिब के लोगों ने ये कहा प्रॉफिट के बारे में, जब उन्होंने सुना, तो प्रॉफिट के बारे में जब उन्होंने सुना, तो उन्होंने ये कहा कि हम जो है वो प्रॉफिट से मिलने जाते हैं। छह लोग प्रॉफिट से मिलने जाते हैं, कहाँ पर मिलते हैं, अकाबा के अंदर उनकी मुलाकात होती है। और जब अकाबा के अंदर उनकी मुलाकात होती है, तो होता ये है कि आपके पास वो ये इस्लाम कबूल कर लेता है, और ये कहते हैं कि हम नेक्स्ट ईयर क्या करना आएंगे, पिलग्रिमेज करना आएंगे। क्या करना आएंगे, हज करना आएंगे। मेन टाइम के अंदर हम यथरिब के अंदर जाकर क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रीच करेंगे, और ये वादा वो लोग करके चले जाते हैं। अब क्या है, फर्स्ट प्लेज ऑफ अकाबा। आप ये बताएंगे फॉलोइंग ईयर, मतलब नेक्स्ट ईयर, आपके पास 12 पीपल आते हैं। कितने लोग आते हैं, 12 लोग आते हैं। पहले कितने आए थे, 6, अब कितना है, 12। 12 में से 5 पुराने वाले ही थे, 7 न्यू। सर एक ने क्या करा होगा, बेटा एक की जो है ना, वो डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं, कुछ जगहों पे लिखा हुआ है कि भाई बंदा मर गया था, या कुछ वजुहत की वजह से वो नहीं आ पाया। तो 5 ओल्ड एंड 7 न्यू। और अगर हम ट्राइब वाइज देखें, तो ट्राइब के हिसाब से क्या है, ट्राइब के हिसाब से आपके पास ये है कि वो आपके पास 10 खजरत से थे और 2 औस से। तो 12 लोग आए, 5 ओल्ड, 7 न्यू, 10 खजरत, 2 औस, 12 पीपल लोग आकर कहाँ पे मिलते हैं, अकाबा के अंदर मिलते हैं, और प्रॉफिट से प्लेच करते हैं। प्लेच का मतलब वादा करते हैं। वादा ये करता है कि हम तौहीद पर बिलीफ लाएंगे, हम आपको हर वक्त फॉलो करेंगे, हम कोई गुनाह नहीं करेंगे, हम अपनी बेटियों को नहीं मारेंगे, हम अपनी गलत प्रैक्टिसेस के अंदर फॉलो अपने आपको नहीं करेंगे। फिर क्या होता है कि इस प्लेज को हम कहते हैं बैतुल निसा। क्या कहते हैं, बैतुल निसा। ये पहला प्लेज और उसको हम कहते हैं बैतुल निसा, क्योंकि इसके अंदर फाइटिंग से रिलेटेड कोई बात नहीं हुई थी, तो ये बैतुल निसा कहलाता है। प्रॉफिट ने क्या करा, मुसअब बिन उमैर को इनके साथ भेजा, अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम को इनके साथ भेजा कि जाओ जाकर इस्लाम क्या करो, प्रीच करो। इंपॉर्टेंट कौन है, मुसअब बिन उमैर। मुसअब बिन उमैर को आपको पता होना चाहिए कि इनकी शक्ल होली प्रॉफिट से मिलती थी। प्रॉफिट ने मुसअब बिन उमैर और अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम को भेजा कि जाओ इन 12 लोगों के साथ और यथरिब जाकर इस्लाम को क्या करो, प्रीच करो, इस्लाम को फैलाओ। और जब इस्लाम को फैलाने की बात हुई, तो आप क्या बताएंगे, दिस वॉज द फर्स्ट प्लेज ऑफ अकाबा एंड दिस वॉज बैतुल निसा। ये आपके पास क्या है, बैतुल निसा, क्योंकि इसमें फाइटिंग की कोई बात नहीं। तो मुझे जल्दी जल्दी बताएं कि आप लोगों को इंट्रोडक्शन और फर्स्ट प्लेज ऑफ अकाबा समझ आया या फिर कोई कंफ्यूजन है, जल्दी जल्दी बता दें। इसके बाद हमारे पास है सेकंड प्लेज ऑफ अकाबा। सेकंड प्लेज ऑफ अकाबा के अंदर हम क्या बताएंगे सर, सेकंड प्लेज ऑफ अकाबा के अंदर हम ये बताएंगे, सेकंड प्लेज ऑफ अकाबा के अंदर हम क्या बताएंगे, सेकंड प्लेज ऑफ अकाबा के अंदर हम ये बताएंगे कि आपके पास क्या होता है, सेकंड प्लेज ऑफ अकाबा के अंदर हम क्या बताएंगे कि हमारे पास क्या होता है, मुसअब बिन उमैर और वहां पर होते हैं। जब मुसअब बिन उमैर और वहां पर होते हैं, तो क्या होती है कि दो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, दो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज क्या कर लेती हैं, इस्लाम कबूल कर लेती हैं। क्या कर लेती हैं, दो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज इस्लाम कबूल कर लेती हैं। एक होती है साद बिन मुआद और एक होते हैं उसैद बिन उदैर। दोनों आपके पास क्या हुए, मुसअब बिन उमैर की एफर्ट्स की वजह से दो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज इस्लाम कबूल कर लेती हैं, साद बिन मुआद और उसैद बिन उदैर।
जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द हजरत ट्राइब इस्लाम कबूल कर लेता है। सर एग्जाम्पल दें, देखिए बहुत सारे लोग अपने लीडर्स को फॉलो करते हैं, जैसे कि इमरान खान ने बोला आ जाओ, कहाँ जाओ, रोड पर आ जाओ, इमरान खान ने कहा, इनके खिलाफ ट्विटर पर ट्रेंड चला, फॉलो करते हैं ना। तो हमारे पास क्या हुआ कि जैसे ही इन दो लीडर्स ने इस्लाम कबूल करा तो बाकी लोगों ने भी क्या कर लिया, इस्लाम कबूल कर लिया, एंड मोस्ट ऑफ द हजरत ट्राइब एक्सेप्टेड इस्लाम। और उसके अगले साल कितने लोग आते हैं, 75, पहले 6 लोग, फिर 12 लोग, अब 75 लोग आते हैं अकाबा में मिलने, प्रॉफिट से प्लेच करते हैं कि हम अल्लाह ताला को फॉलो करेंगे, हम आपको हर वक्त फॉलो करेंगे, हम गुनाह नहीं करेंगे, हम उल्टे काम नहीं करेंगे, हम सब आपसे क्या करते हैं, वादे करते हैं। उसके बाद ये होता है कि ये कहते हैं कि इनवाइट करते हैं, कहाँ पे इनवाइट करते हैं, बोलते हैं कि प्रॉफिट आप हमारे साथ यथरेब आ जाओ। तो जब प्रॉफिट यथरेब की बात करते हैं तो उस पर हजरत उनके अंकल होता है हजरत अब्बास, वो ये कहते हैं कि सोच लो अगर प्रॉफिट आ गए तो तुम्हारे साथ मसले भी आएंगे और तुम लोगों को हमारा साथ देना पड़ेगा, हमारा साथ नहीं छोड़ो। तो फॉलोअर्स ये कहते हैं कि हम फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे प्रॉफिट को और उनके फॉलोअर्स को, सही है, यथरिप के लोग। और साथ में ये कहते हैं कि अगर हमारे ऊपर जैसे क्या हुआ कि आप लोगों के ऊपर कोई अटैक हुआ तो हम आपको सपोर्ट भी करेंगे, मतलब हम आपको मोरल सपोर्ट प्लस हम आपको क्या दे रहे हैं कि मिलिट्री सपोर्ट भी हम आपको देंगे। दिस वॉज नोन एज सेकंड प्लेज ऑफ अकाबा। और इसको हम बैतुल हर्ब क्यों कहते हैं, इसमें फाइटिंग की बात है। फाइटिंग क्या होती है, हर्ब क्या होती है, वॉर। तो बैतुल हर्ब आपके पास क्या है, इसमें फाइटिंग की बात की, तो दिस वॉज नोन एज बैतुल हर्ब। तो ये आपके पास दूसरा प्लेज है। इसके अंदर एक्स्ट्रा क्या बात हुई कि प्रॉफिट ने कहा कि अगर मैं आऊंगा और उनके अंकल ने कहा कि अगर हम आएंगे तो सिर्फ मसले आप लोगों के साथ बढ़ेंगे, तो एंड में आप लोग हमें बिट्रे नहीं करोगे, अभी जो करना है वो बोल दो। तो उन्होंने कहा कि मैं एग्री करते हैं, आपको हर वक्त क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। एंड दिस वाज नोन एज सेकंड प्लेज ऑफ अकाबा, बैतुल हर्ब। मुझे जल्दी जल्दी बताएं कि आप लोगों को यहाँ तक की कहानी समझ आई या फिर कोई कंफ्यूजन है अकाबा। अब देखिए सेकंड प्लेज ऑफ अकाबा जो है वो आपके फर्स्ट प्लेज और सेकंड प्लेज के अंदर कंटेंट काफी क्या है, कम। अब इसका सवालात देख लेते हैं सर, सवालात किस तरीके से आ रहे हैं। आपके पास सवाल क्या आ रहा है, सवाल आपके पास ये है कि डिस्क्राइब द मेन इवेंट्स ऑफ द प्लेजेस ऑफ अकाबा एंड द डिटेल्स ऑफ दीस प्लेजेस। सबसे पहले क्या लिखा आपने, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखा, फिर फर्स्ट प्लेज लिखा, एंड देन सेकंड प्लेज। अगर आप आंसर देखें तो कंपैरेटिवली छोटा है। प्लेजेस ऑफ अकाबा वर मेड इन द प्रॉफिट्स लास्ट ईयर इन मक्का, आउटलाइन द रीजंस फॉर दीस प्लेजेस एंड राइट अबाउट द डिटेल्स इन देम, सेम एज क्वेश्चन 1। अबू तालिब डाइड इन 619, डिस्क्राइब द इवेंट्स फॉलोइंग दैट लेड टू द प्रॉफिट्स माइग्रेशन टू मदीना। अच्छा ये देखो, ये बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है, प्लेजेस का वर्ड इसमें यूज नहीं हुआ ना। अबू तालिब डाइड इन 619, डिस्क्राइब द इवेंट्स फॉलोइंग दिस दैट लेड टू, ऐसे इवेंट्स बताओ जिसकी वजह से क्या भी माइग्रेशन टू मदीना भी, बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है। डिस्क्राइब द इवेंट्स फॉलोइंग दिस, तो हमें एक ही इवेंट है वो कौन सा, प्लेजेस ऑफ अकाबा। गिव एन अकाउंट ऑफ द इवेंट सराउंडिंग द प्लेजेस ऑफ अकाबा एंड द मेन डिटेल्स, ट्रेस द इवेंट्स दैट लेड अप टू प्रॉफिट्स माइग्रेशन। तो जब आप ये 5 पेपर्स करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई इस तरीके से सवाल आता है, वरना तो आप लोग पेपर में जाके फेल ही होंगे और क्या होगा। अब हमारे पास एक सवाल आया, नया सवाल है, व्हाट माइट मुस्लिम्स डू टू सेट एन एग्जांपल एंड वेलकम अदर्स हु मूव टू देयर एरियाज। अब हमें क्या क्या करना चाहिए, आपको ये बात पता है कि सर अगर 4 मार्क का सवाल आ रहा है तो 4 पॉइंट्स को अच्छे तरीके से क्या करें, एक्सप्लेन करें। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, वेलकम करना चाहिए, क्या करना चाहिए। आप क्या बताएंगे, आप ये बताएंगे कि हमारे पास अगर फॉर एग्जाम्पल सवाल ये है कि हमें मुसलमानों को क्या करना चाहिए जब हमारे कुछ में मूव हो, सबसे पहले उनको वेलकम करो। सर वेलकम किस तरीके से करें, हम उनका ख्याल रखें, हम उनकी चीजों का ख्याल रखें, हमारे पास उनकी जो प्रॉब्लम्स हम उनसे शेयर करें, बिजनेस शेयर करें, सारी चीज। फिर प्रोवाइड मील, अगर उनके पास रहने की जगह है तो भी, और अगर रहने की जगह नहीं है तो हम उनको अपने घर में इन्वाइट करें और उनको क्या करें, घर का खाना खिलाएं, ताकि क्या है कि उनको अगर शुरू में शिफ्टिंग या कोई भी प्रॉब्लम है तो वो क्या हो, उनको हम मिल पाए। फाइनेंशियल सपोर्ट दें, अगर कोई बंदा अपना घर बार छोड़कर आ रहा है, जैसे प्लेजेस वकाबा के अंदर बोला ना कि आप फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए गया, तो अगर आपके लिए कोई बंदा इस्लाम के लिए अगर कोई घर छोड़ रहा है, कुछ छोड़ रहा है, तो आप क्या करो उसको फाइनेंशियल सपोर्ट दो। इमोशनल सपोर्ट कैसे दो, उसको हौसला अफजाई करो कि आपने कोई गलत फैसला नहीं करा, आपने अच्छा फैसला करा है, उसकी हौसला अफजाई करो कि आपके बिल्कुल सही है, अल्लाह ताला आसानियां करेगा और इंशाल्लाह आसान। प्रोवाइड सिक्योरिटी, अगर उसको ये डर है कि लोग पीछे आके फॉलो करेंगे या फिर उसकी वजह से अटैक करेंगे, तो आप क्या करो सिक्योरिटी प्रोवाइड करो, जैसे कि मदीना के लोगों ने एग्री करा कि हम आपके साथ क्या करेंगे, वॉर के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये आपके पास क्या 5 पॉइंट्स जो कि आप लिख सकते हैं।
देन हमारे पास है, इन योर व्यू व्हाई शुड मुस्लिम्स प्रोवाइड अ सेफ हेवन। अब बच्चा इसमें कंफ्यूज हो रहा था सर, ये सेफ हेवन का मतलब क्या है? इसका मतलब है सेफ प्लेस। क्या मतलब है सेफ प्लेस फॉर अस? क्यों मुसलमानों को सेफ जगह देनी चाहिए? तो सबसे पहला रीजन क्या है? सबसे पहले ये रीजन है ताकि वो रिलीजियस फ्रीडम से क्या रह सके, सुकून से, उसका रिलीजियस फ्रीडम और सुकून से रह सके। दूसरा ये कैसे देनी चाहिए? ताकि वो प्रोसिक्यूशन से क्या रहे, सेफ रहे। तीसरा क्यों देनी चाहिए? ताकि हमारे और उसके रिलेशंस क्या हो जाए, अच्छे। चौथा इसलिए देनी चाहिए कि अगर हम उसको जगह दे रहे हैं तो सिर्फ उसका फायदा नहीं, हमारा भी फायदा, हमारे पास आर्मी आएगी, हमारे पास लोग ज्यादा काम करने वाले आएंगे, ये सारी चीजें। उसके बाद आपके पास क्या है कि अगर हम लोग किसी को जगह दे रहे हैं तो सिर्फ उस बंदे से रिलेशन अच्छे नहीं हो रहे, बल्कि दूसरी स्टेट से भी रिलेशन क्या हो रहे हैं, अच्छे, जिससे मे भी हमारा ट्रेड बढ़ रहा है। तो इन योर व्यू व्हाई शुड मुस्लिम्स प्रोवाइड अ सेफ हेवन फॉर अदर्स? मुस्लिम शुड प्रोवाइड सेफ हेवन फॉर अदर्स ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। फर्स्टली, टू प्रोवाइड अ पर्सन विद अ प्लेस टू लिव इन हार्मनी एंड विद रिलीजियस फ्रीडम। सेकेंडली, वी शुड प्रोवाइड सेफ प्लेस टू अदर्स टू सेव देम फ्रॉम पर्सिक्यूशन। इफ यू विल सेव आवर मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फ्रॉम पर्सिक्यूशन, सो वर्ल्ड विल गेट टू नो अबाउट मुस्लिम पावर। थर्डली, इट विल प्रोवाइड सेफ प्लेस टू अदर्स, सो आवर रिलेशंस विल गेट बेटर एंड आवर वर्क फोर्स आर्मी विल ऑल्सो गेट बेटर। As more people will take refuge in our country, so they will provide us with a huge workforce which can help in establishing industries. Moreover, our army will get better and strong. Lastly, if we will provide safe place to others, so it will improve our relations with other states, which will improve our trade, our defense system, and our security as well. तो ये आपके पास क्या आंसर? सर, अगर लोग आ रहे हैं तो उससे तो सर ये भी तो हो सकता है ना कि ट्रैफिक पे बटन आएगा। बेटा, अभी हम ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे और हमें ये है कि क्यों हम क्यों जगह दे रहे, तो हम सब पढ़ाई क्यों लिखेंगे? अगर आप सब पूछे आपको किसी को अपने घर में क्यों इन्वाइट करना चाहिए, तो मैं ये लिखूंगा अजाब बन जाते हैं, खाना खिलाना पड़ता है, ये करना, पढ़ाई तो नहीं करूंगा ना, ये बोलूंगा अल्लाह की नहमत है और ये सारी चीजें, तो इसलिए हम फायदे उठा रहे। फिर आपके पास सवाल क्या है? हाउ आर दीज प्लेजेस इंपॉर्टेंट फॉर द फ्यूचर कम्युनिटी ऑफ मुस्लिम्स? क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले यही है कि आपके पास रिलीजियस फ्रीडम मिल रहा था इस प्लेजेस की वजह से, क्योंकि अगर वो मदीना जाते तो सुकून से रह सकते थे। दूसरा आपके पास क्या है कि इस्लाम क्या हो रहा है, बाहर फैल रहा है, सही है। उसके बाद तीसरा क्या है कि अब मुसलमानों का साथ कौन दे रहे हैं, नॉन मुस्लिम और सब क्या दे रहे हैं, दे रहे हैं, तो मुसलमानों की फोर्सेस क्या हो रही है, स्ट्रॉन्ग। तीसरा क्या है कि उनके लीडर जो कि होली प्रॉफिट थे उनको भी सेफ्टी मिल रही है। अगर उनको सेफ्टी नहीं मिलती और अल्लाह ना करे उनका इंतकाल हो जाता तो इस्लाम क्या हो जाता, खत्म हो जाता। दैट्स व्हाई प्लेजेस ऑफ अकाबा वर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फ्यूचर कम्युनिटी ऑफ मुस्लिम्स। तो दीस प्लेजेस वर इंपॉर्टेंट टू द मुस्लिम कम्युनिटी इन मेनी वेज। फर्स्टली, प्लेजेस सेट द फाउंडेशन फॉर अ मुस्लिम कम्युनिटी टू लिव इन हार्मनी एंड विद रिलीजियस फ्रीडम। सेकंडली, प्लेजेस ब्रॉट अ चांस टू द कंडीशंस एंड अलाउड इस्लाम टू बी एस्टैब्लिश। Thirdly, this pledge brought the good news for Muslims that now from onwards, Muslims of Medina would also take place in war, which means that now the Muslim forces become stronger. Fourthly, this pledge will help Muslim community in spreading Islam outside Makkah in safety. Most importantly, this pledge provided security for the leaders, so it was important for the Muslim community. Ab sawal kya hai? Explain the importance of the pledges of Aqaba to the Prophet. To the Prophet in prayer to the migration. Ab iske andar aapne kya karna hai? आपने आंसर ऊपर वाला ही लिखना है, लेकिन थोड़ी बहुत चेंजेस करनी है। जैसे कि दीज प्लेजेस वर इंपॉर्टेंट टू द प्रॉफिट इन मेनी वेज, हम इसमें क्या लिख रहे थे, दीज प्लेजेस वर इंपॉर्टेंट टू द मुस्लिम कम्युनिटी इन मेनी वेज। फिर लिखा फर्स्टली, प्लेजेस सेट द फाउंडेशन फॉर प्रॉफिट एंड हिज फॉलोअर्स टू लिव इन हार्मनी, हम उसमें क्या लिख रहे थे, सेट द फाउंडेशन फॉर अ मुस्लिम कम्युनिटी, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी का यहाँ पे प्रॉफिट का लिव इन हार्मनी विद रिलीजियस फ्रीडम। Secondly, pledges brought a chance to the condition allowed Islam to be established. Thirdly, this pledge brought a good news of Muslims that now from onwards, Muslims of Medina would also take place, which means that Muslim forces were become stronger. Fourthly, this pledge helped Prophet in spreading Islam outside Makkah in safety. Most importantly, this pledge provided security for Holy Prophet. किसके लिए? For Holy Prophet. Now Holy Prophet is safe from the persecution and will blessings of pledge. बस आंसर पूरा सेम है, बस वहां पे पूछा गया था कि फ्यूचर कम्युनिटी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट, तो वो उस हिसाब से लिख रहे थे। यहाँ पे हम किसके हिसाब से लिख रहे हैं, प्रॉफिट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट था। पॉइंट्स बिल्कुल एज इट इज सेम है, सही है। तो मुझे ये बताएं कि आप लोगों को 4 मार्क्स वाले सवाल समझ आए या फिर कोई कंफ्यूज।